दोस्तों ये दुआ बहुत प्यारी है, इसे सुकून से सुने और जुबान से आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्शे आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहकार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तोबा करते हैं, हमारी तोबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे मबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए, जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राजी हो जाए, हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पकीज़ा अदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिजक कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगारे आलम हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तो हर चीज़ पे कादिर है। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से अपने कर्म से कबूल फरमा और जिसने ये दुआ भेजी और इसे आगे बढ़ा रहा है उसकी सारी परेशानियों तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। ये दुआ पूरी ज़रूर सुने। ऐ मेरे परवरदिगार अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मग़फ़रत फरमा, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा, जो बीमार हैं या परेशान हैं तो उनको अपने कर्म से माफ़ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जिसने मुझे ये दुआ भेजी उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और हर काम में कामयाबी अता फरमा और उसका नसीब खोल दे। मेरे अल्लाह या रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से दुनिया परेशान है, मौला तेरे गुनाहगार सियाहकार खताकार बंदे मौला तुझे पुकार रहे हैं, मौला तू ही है, तू बड़ा कारसाज है, तू बड़ा कारसाज है। मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मौला तमाम उम्मते मुसलमा को मौला इस मौजी बीमारी से महफूज फरमा। मौला जो इस बीमारी में मुब्तला है मौला उनको शिफाए कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जिस बीमारी की वजह से दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं मौला उन मुसलमानों की मग़फ़रत फरमा, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमा, मौला उनके सगीरा कबीरा तमाम गुनाह माफ़ फरमा के मौला उनको बख्श दे, मौला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों अपने लिए ज़रूर दुआ करवाएं, न जाने किसकी जुबान से आपकी तकदीर खुल जाए। आज
آج کے دن اگر یہ دعا آگے شیئر نہ کر سکے تو پلیز واپس مجھے ہی بھیج دیجئے. جزاک اللہ خیرہ.